नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे STC एग्जाम 2022 के लिए मेट पेपर की क्लासेस। तो इसी क्रम में अपना पूरा सिलेबस कंटिन्यू चल रहा था और इस पेपर के लिए लगभग अपने 65% सिलेबस है वो कवर कर चुके हैं और लगभग अपने इस पेपर के लिए 22 से 23 वीडियो कर ली है। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधार रहे हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसके लिए हमने जितनी भी वीडियो अपलोड करी है, चाहे वो एसटीएससी एग्ज़ाम के लिए मेट पेपर की क्लासेज हो, चाहे वो एलसीटी पेपर के लिए हो और चाहे वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर का सॉल्यूशन हो, तो सब वीडियो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है एसटीएससी 2022 के नाम से। तो सारी की सारी वीडियो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको टेस्ट की जानकारी और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाते हैं। तो आप हमसे जुड़ के और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लेवें, घंटी दबा दें और हमसे कंटिन्यू अब जुड़े रहें, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा। इसके अलावा रिविज़न क्लासें, टेस्ट, तो बहुत कुछ मटेरियल आपको एसटीएससी एग्ज़ाम के लिए मिलने वाला है। तो आज अपने एक नए टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक है गणितीय संक्रिया, या फिर इंग्लिश में बोले तो मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, बस आपको समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो लगभग एक दो वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अपने अब धीरे धीरे सिलेबस पूरे करने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि हमने जो 5 दिसंबर तक आपका सिलेबस है वो 5 दिसंबर से पहले पहले पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद में हम कंटिन्यू टेस्ट लिया करेंगे और रिवीजन क्लासें आपको उपलब्ध करवाएंगे, ताकि जो भी हमने अब किया है सिलेबस वो चीज़ें आपको याद रहे, आप उनको बेहतर से बेहतर करते जाएं। तो देखिए, गणितीय संक्रिय और मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो इसमें ज़्यादा अंदर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत छोटा सा मेथड आपको ध्यान रखना है और उसी को अप्लाई करते हुए इन प्रश्नों को हल करना है। बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, जो आप गणना करोगे गुणा भाग जोड़ घटाओ वो आपका सही होना चाहिए। अगर आपने वो सही से कर लिया तो आपका उत्तर है वो सही ही आएगा। तो देखिए, इसके अंदर हमने 1, 2 और 3 और थर्ड पर्सन के अंदर 3 प्रश्न लिए, यानी कि ये जो चैप्टर है इसका टाइप फर्स्ट अपने इसके अंतर्गत कर रहे हैं। इस चैप्टर में लगभग 2 से 3 टाइप बनेंगे और यहीं से आपका प्रश्न आने वाला है। तो देखिए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाना है, तो निम्न को हल करें। इस प्रकार का जब भी प्रश्न मिल जाए तो आपको भाग दौड़ नहीं करनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि उसने प्रश्न में दे रखा है यदि प्लस का अर्थ गुणा है, ये जो चीज दे रखी है ना उसने, ये केवल आपको दिखाने के लिए दे रखी है, आपको इसको हल नहीं करना है। कहीं सीधा हल कर दो और उत्तर निकाल के आप देखोगे आपका उत्तर सही आ रहा है या उत्तर आ भी नहीं रहा है, नहीं आएगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आपको पूरा समझ नहीं आएगा तब तक उत्तर कैसे आ सकता है। और बाई चांस सही आ भी जाए, आप टिक कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले जो उसने इक्वेशन समीकरण दे रखी है, ये समीकरण दे रखी है, इसको थोड़ा सा बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे, देखिए इसने जो चीज बोली है उसके अनुसार बदलेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि प्लस का अर्थ है, यानी कि जो आपने जो इस इक्वेशन के अंदर समीकरण के अंदर जो प्लस उसने दे रखा है उसको अपने बदलेंगे गुणा से। देखिए, उसने बोला प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है और भाग का अर्थ घटाना है, ये चीज उसने दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग इनको बदलेंगे। तो देखिए, बदलते हैं इसको, मैं यहां लिख देता हूं इधर, पहले 20, संख्या में आपको कोई फेरबदल नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखोगे, जो चीज उसने दी है जो उसने कहा है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को परिवर्तन करना है। इसके अलावा अन्य दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, न ही कुछ ज्यादा आपको कैलकुलेशन करनी है। 20, फिर उसने बोला माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस दे रखा है, लेकिन अपने को पता है कि माइनस को उसने क्या कहा है कि माइनस का अर्थ है जोड़, यानी कि जहां माइनस है उसको अब अपने किससे बदलेंगे, जोड़, जोड़ का मतलब होता है प्लस, समझ आ गया। 8, अगली संख्या है, फिर उसने बोला गुणा, अब देखिए उसने कहीं गुणा को भाग लिखा है, ये देखिए गुणा का अर्थ भाग है, अब ये मत समझना कि सर
हर चीज में ये लगाना नहीं, पर्सन जो भी पर्सन देगा उसके अनुसार वो ऊपर लिख के बताएगा कि आपको ये इससे बदलना है, आपको उसी के अनुसार करना है। तो गुणा है, गुणा की जगह उसने लिखा है भाग, तो ये लीजिए भाग, भाग का अर्थ ये होता है। फिर आगे देखा है चार, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बार बार बता रहा हूं, अगर आपने संख्या कहीं बदल दो तो गलत हो जाएगा। चार का चार, फिर देखिए भाग का चिन्ह है, अब उसने भाग को क्या लिखा, इसने बोला भाग का अर्थ है घटाना, जहां पे भाग है वहां पे लगाओगे माइनस, क्योंकि इसने बोला है भाग का अर्थ है घटाना है। फिर देखिए तीन, क्योंकि उसके बाद में तीन है, उसने बोला प्लस, और शुरू में उसने बोला प्लस का अर्थ क्या है गुणा है। अब आपका क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, संख्या बदल दी जो उसने प्लस माइनस, क्योंकि गणितीय संक्रिया इसमें यही चीज आपको ध्यान रखना है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी चीज पे टिका हुआ है, जो चीज वो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न हल करने हैं। तो देखिए ये चीज आपने इसको कर लिया कन्वर्ट, अब आप इसको हल कीजिए। अब मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको हल करने के लिए बोल दिया, तो सबसे पहले जिन बच्चों ने मैथ को थोड़ा सा गहराई में नहीं पढ़ा वो इसको हल करेंगे, और हल कोई भी चीज आपको दे दी जाए, कोई भी काम दे दिया जाए, तो आप कौन से काम को पहले करते हो, जो काम आपको आसान लगता है सबसे पहले उस काम को करते हो, या सवाल आप कोई कर रहे हो मैथ का सवाल कर रहे हो या कोई चीज याद कर रहे हो, सबसे पहले आपका जो व्यू होता है वो सिंपल आसान चीज की तरफ ज्यादा जाता है, जाता है कि नहीं जाता, जाता है डेफिनेट। आप याद कर रहे हो कोई हिंदी का प्रश्न, कोई सामाजिक विज्ञान साइंस कुछ भी कर रहे हो, आप सबसे पहले छोटे प्रश्नों को याद करो, क्योंकि छोटे प्रश्न याद करना आसान होता है, आसान काम हमेशा पहला करते हो। मैथ के अंदर कोई भी सवाल आप कर रहे हो तो आप उस सवाल को सबसे पहले करोगे जो छोटा रहता है या करने में आसान रहता है या उसकी कैलकुलेशन आसान रहती है, और यही काम आप यहाँ करोगे अगर आपको जानकारी नहीं है तो। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना सही में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जोड़ करोगे, फिर आप घटाव करोगे, गुणा करना आसान होता है, और लास्ट में करोगे भाग। लेकिन यहाँ पे आपका प्रश्न अगर आप ऐसे करते हो तो आपका प्रश्न हो जाएगा गलत। अब गलत क्यों हो जाएगा और सही इसका करने का मेथड क्या है वो आपको मैं बताता हूँ ध्यानपूर्वक देखिए। ये बहुत ही काम आने वाली चीज है, कौन सी, मैं इसको यहां लिख देता हूँ, ये होता है V, फिर आता है V B O D M A S। देखिए एक मैंने चीज लिखी है, क्या लिखा है V, सबसे पहले लिखा है V, V फिर B O D M A S। अब इस चीज को अगर मैं एक साथ जोड़ के बोल दूं बोर्ड मास, बोर्ड मास नाम सुनते ही बहुत से बच्चों के दिमाग में आ जाए हाँ ये तो सुन रखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं सुन रखा है ये चीज। अगर मैं इसको अलग अलग बोलूं तो शायद थोड़ा बहुत समझ आपको ना आया होगा, लेकिन बोर्ड मास नाम सुनते ही आपके दिमाग में बहुत से बच्चों को पता भी चल गया होगा कि हाँ सर अब समझ में आ गया अब हम कर देंगे। तो इस चीज को मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही काम आने वाली है, यहाँ नहीं आप कहीं भी चले जाओ, मैथ की कोई भी कैलकुलेशन आप हल कर रहे हो जहां पे दो से तीन संख्याएं लग रही है, संख्याएं का मतलब जहां पे जोड़ हो रहा है, गुणा हो रहा है, घटाव हो रहा है, भाग हो रहा है, जहां पे तीन चार क्रिया एक साथ हो रही है वहां पे हमेशा ये चीज काम है करती है। तो सबसे पहले सर बताइए इनका अर्थ क्या होता है, देखिए अर्थ क्या होता है, इसको बोला जाता है वेनकुलम, क्या बोला जाता है वेनकुलम, वेनकुलम का मतलब होता है शीर्ष रेखा, यानी कि जब आप मैथ का कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, जैसे मैंने लिखा सात की बार बोल देते हैं इसको, या बार भी लिखता हूं मैं इधर, वेनकुलम या बार, बार बोल देते हैं बार, इस प्रकार के, लेकिन इसके अंदर ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस वी का मतलब होता है वेनकुलम, यानी कि जो डंडा लगा होता है, अगर आपने टेंथ की मैथ पढ़ी है तो जो आपका चैप्टर था शांत और अशांत में, उसमें आपने देखा होगा बार लगा होता है ऊपर, तो वही बार। सबसे पहले अगर कोई भी प्रश्न इस प्रकार का आ जाए जिसमें ये चीज लगी हो तो सबसे पहले आपको इसको हल करना है। फिर देखिए इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट जिसको हिंदी में बोलते हैं कोष्टक, क्या बोलते हैं कोष्टक या ब्रैकेट, इसको ये तीन प्रकार के होते हैं, छोटा स्मॉल मीडियम और लार्ज, छोटा मध्यम और बड़ा ब्रैकेट, मझला मध्यम बोल देते हैं, तो ये ब्रैकेट लगे होते हैं।
उसके बाद में इस ओ का मतलब होता है ओफ, हिंदी में कहते हैं का। जब आप कोई भी परसेंटेज निकालते हो, या कई बार आपने ऐसा लिखा होगा कि 5 का 10% या 100 का 3% इस प्रकार का, तो वहां पे ये वर्ड यूज किया जाता है ऑफ या का, वो वाला ऑफ है ये। अब आता है डी। डी को मैं यहां लिखता हूं, डी फोर होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है हिंदी में इसको कहते हैं भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टी PLY, मल्टीप्लाई को हिंदी में कहते हैं गुणा। उसके बाद में ए को मैं यहां लिख देता हूं, ए का मतलब होता है एडिशन या एड बोल देते हैं, एड का मतलब जोड़। और उसके बाद में बचता है एस, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इसको हिंदी में कहते हैं घटा। तो सबका मैंने अर्थ समझा दिया है। पी का वेनकुलम बार, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ का, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। अब ये तीन चीज आपको न तो ज्यादा समझने की जरूरत अभी, न ही आपको याद ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, लेकिन जब काम आएगी तब आप इसको अपने आप माइंड में आपके आ जाएगी। लेकिन अभी अपने काम की चीजें ये है, क्या मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्ट। ये जैसे क्रम उसने दे रखा है, आपको इन प्रश्नों को हल करते हुए क्रम ऐसे ही क्रम लगाना है, ऐसे ही क्रम से हल करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए डी आ रहा है, डी फॉर डिवीजन भाग, उसके बाद में मल्टीप्लाई गुणा, उसके बाद एडिशन जोड़, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट घटाओ। सबसे पहले आपको जब भी ऐसा प्रश्न हल करना है, इसमें सबसे पहले यदि ब्रैकेट है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट आपको नहीं मिलेगा, तो आप भाग से शुरू करो। सबसे पहले भाग को हल करना है, भाग करने के बाद चाहे आपके सामने जोड़ सामने चल के आ जाए भी, हाँ मेरे को हल कर, लेकिन आपको बोला नहीं भाई रुक जाए, एक बार पहले भाग करूंगा, उसके बाद में मैं करूंगा गुणा, उसके बाद में मैं करूंगा जोड़, और उसके बाद में करूंगा घटाओ। हाँ जोड़ घटाओ में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन गुणा और भाग में आप कभी भी मत करना, गलत हो जाएगा। तो इस चीज का आप अवश्य रूप से ध्यान रखिए, सबसे पहले डिवीजन, भाग, गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाओ, आपको किस क्रम में इसको हल करना है। अब देखिए अगर आपको ये चेक करना है कि सर क्या वास्तव में इसका यूज होता है, अगर अपने ना करें तो आप ये प्रश्न लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं अभी, तो उसके बाद में आप फ्री बैठ के इस चीज को करके देखिए, आपको प्रूफ हो जाएगा कि वास्तव में सर ये चीज काम करती है। आप उत्तर निकालोगे बिना कुछ ये चीज लगाए और करोगे, उत्तर अलग आएगा। फिर आप इसको सही तरीके से करोगे तो उत्तर अलग आएगा, और इसको सही तरीके से करने से जो उत्तर आएगा उसी को ही सही माना जाता है। अगर आप बिना किसी मेथड के डायरेक्ट कर देते हो, पहले जोड़ घटाओ फिर भाग करते हो, तो वो गलत आएगा या फिर उत्तर नहीं आएगा आपका। इस चीज का ध्यान रखें। तो अब इसको हल करते हैं। अब देखिए अभी मैंने क्या बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो ये लीजिए भाग यहाँ है, ये देखिए जोड़ सबसे पहले आ रहा है, बोल रहा है मेरे को हल करो, लेकिन हल नहीं करना है। सबसे पहले अपने करेंगे भाग, 8 के अंदर 4 का भाग देंगे, क्योंकि भाग का चिन्ह है, तो 8/4 इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 8/4 या 8 के भाग में 4। तो 8 के अंदर 4 का भाग देंगे कितना आएगा, 2, आगे चिन्ह है कौन सा है 3, फिर क्या आएगा 2। यहां तक हल कर दिया, आगे यहां करता हूं इसको मैं। अब 20 प्लस 2 माइनस का, अब यहां पे गुणा है, 3 को 2 से गुणा करूंगा तो माइनस का आएगा 6। अब आप जोड़ कीजिए, क्योंकि सबसे पहले भाग, फिर आपने गुणा किया, फिर जोड़। अब करोगे 20 और 2 22, और 22 में से 6 घटा दो कितना बच जाएगा, 2 माइनस कर दिए कितने बचे 4 16। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा, 16 आएगा। सबसे पहले भाग किया, 8 के अंदर 4 का भाग दिया 2, उसके बाद आपने 3 का 2 से किया गुणा 6, फिर आपने 20 में 2 जोड़े 22, 22 में से 6 घटाए 16। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। अभी आपको लगा होगा सर बहुत टफ प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है,
बहुत ही सिंपल प्रश्न है, करोगे आप खुद से, एक दो बार टफ होगा लेकिन उसके बाद में अपने आप कर दोगे इसको। ये कैलकुलेशन अगर आपको समझ आएगी तो आप एक लाइन में कर दोगे, यहाँ कर दोगे। समझाने के लिए मैंने अलग स्टेप लिखा ताकि हर चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, कोई भी डाउट ना आए। ये प्रश्न हो गया, अब वही चीज यहाँ लगानी है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये तो आपको समझ आ ही गया, मैं जोड़ को ये जगह चाहिए अपने को, तो वही चीज यहाँ लगानी है। क्या लगानी, सबसे पहले इनको बदलो, प्लस का अर्थ है माइनस, दो भाग का अर्थ इसने बोला जोड़, ये लीजिए छ, गुणा का अर्थ है भाग, ये लीजिए छ, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है जोड़, फिर क्या है, दो ही चीज है अपने पास, ज्यादा कुछ तो दे ही नहीं रखा। अब नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा, जो चीज मैंने बोला एक्स्ट्रा आपकी तरफ से खुद नहीं, कुछ नहीं करना, क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे सर दे तो तीन चार रखे हैं लेकिन यहाँ पे तो दो ही चीज है, बाकी काम क्या करें, नहीं है तो नहीं है भाई, अपने क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो भाग का इसने बोला है भाग का, देखिए भाग का अर्थ है जोड़, ये लीजिए ये भाग था ये जोड़, ये भाग था ये जोड़, यहाँ पे था गुणा, गुणा का अर्थ देखिए ये गुणा का अर्थ है भाग, बदल दिए। अब इसको हल कर दो, हल करने का मेथड अभी मैंने बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, दो में छह जोड़ देंगे कितना जाएगा आठ, कर दे नहीं करना, क्योंकि सबसे पहले अपने करेंगे भाग, प्लस छह में छह का भाग देंगे, छह में छह का भाग देंगे, समान संख्या में समान संख्या का भाग देंगे तो हमेशा एक आता है, और प्लस तो, अब तो जोड़ ही जोड़ भरे पड़े हैं, कुछ भी कर दो, दो और चार एक पांच, ये लीजिए हो गया आपका प्रश्न, बहुत ही सिंपल तरीके से। ऐसे इनमें करने हैं, अब मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा, ये समझ भी आ गया होगा। अब अपने इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं और चीज इसको ये लागू करना है, तो इसको हम हटा देते हैं, इसके लिए जो चीज उसने बोली है उसको देते हैं, यहाँ पे देखिए इसने बोला है ये जोड़ है ये गुणा है, अब इसने मेरे को, मैंने इसको पूरी अर्थ में नहीं लिखे, शॉर्ट में लिख लिया ताकि अपने को कम टाइम लगे। इसने बोला जोड़ को लिखिए आप गुणा, माइनस को आप लिखिए जोड़, गुणा को लिखिए भाग और भाग को लिखिए माइनस, ये चीज अपने को लिखनी है। तो फर्स्ट और फर्स्ट मैं एक करवा देता हूं, बाकी सेकंड बी और सी दोनों ये एच डब्ल्यू रहेगी, ये आपको हल करने हैं, उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से देना है कि थर्ड का बी का उत्तर ये रहेगा, थर्ड का सी का उत्तर ये रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना और उत्तर अवश्य रूप से करना है। तो ए मैं करवा देता हूं, नाइन माइनस का इसने क्या बोला, माइनस ये माइनस का माइनस ये रहा माइनस, माइनस को इसने लिखा जोड़, ये लीजिए जोड़ कर दिया, फिर तीन, फिर प्लस को इसने लिखा गुणा, ये लीजिए मेरा प्लस, इसको गुणा कर दिया, भाग को इसने क्या लिखा है, भाग को लिखा है माइनस और उसके बाद में 16, और गुणा को इसने लिखा है, गुणा को लिखा है भाग, गुणा को लिखा है भाग और यहाँ पे दे रखा है 2, तो चिन्ह बदल दिया उसने, सबसे पहले प्लस को यहाँ पे माइनस था, माइनस को इसने बोला था ये रहा माइनस, माइनस को प्लस कर दिया। अब अपने चिन्ह चेंज कर दी, अब अपने कैलकुलेशन करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस 16 में 2 का भाग दिया 8, बाकी सब ऐसे रखा, 3 9 प्लस 2, 3 का 2 से गुणा कर दो 6 माइनस 8, अब 9 में 6 जोड़ दो, 9 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा, 14 में से 8 गया माइनस कर दो 6, चौदह माइनस छ इज इक्वल, सॉरी 14 में से 8 गए, सॉरी कहीं कैलकुलेशन गलत कर दी हमने, हाँ बिल्कुल गलत कर दी, 9 प्लस 6 है तो 9 प्लस 6 होते हैं 15, और 15 में से जब 8 जाएंगे तो कितने बजेंगे 7 बजे। तो आपको भी कैलकुलेशन जो गणना आप करते हो बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, गलत ना करें, जो चीज़ इसने बोली है उसके अकॉर्डिंग सही चीजें करते चले।
शुरू में आप हो सकता है 5-10 सेकंड में ज़्यादा देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो आप जितना टाइम आपने लगाया उससे डबल टाइम और लग जाएगा। तो उससे बेटर है शुरू में जब कर रहे हो तो 10 सेकंड थोड़ा सा ज़्यादा दे दें ताकि क्वेश्चन का उत्तर है वो सही आए। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर का जो फर्स्ट टाइप आज अपने किया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें क्योंकि हमारे चैनल पे इसकी क्लासेस मिलेगी। इसके अलावा बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारियों की जो नवीनतम अपडेट है वो भी हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध होती रहती है। आज अपने करेंगे इतना ही नई क्लास में और नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।